दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे जिगरा और विकी विद्या का वो वाला वीडियो के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे दोनों फिल्मों के अब तक की टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं जिगरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 4,48,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 16,50,00,000 का कलेक्शन किया था। अपने पहले हफ्ते में 22,01,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने 8वें दिन में 1,06,00,000 और अपने 9वें दिन मैंने शनिवार के दिन में लगभग 1,78,00,000 के कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 9 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 24,85,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 30 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 13 करोड़ के कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 9 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 43 करोड़ हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 10वें दिन में इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म का बजट लगभग 90 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई है। यहाँ तक कि इस फिल्म के एवरेज होने के भी दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। वहीं बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 8.1 रेटिंग मिले हैं। अब जानते हैं विकी विद्या का वो वाला वीडियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 5,40,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 18,05,00,000 का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 25,50,00,000 का कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने 8वें दिन में 1,42,00,000 का, अपने 9वें दिन में शनिवार के दिन में 2,20,00,000 का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के 9 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 29,12,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 35 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 6,50,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 9 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 41,50,00,000 हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 10वें दिन में इंडिया में लगभग 3 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म का बजट लगभग 37 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और आज के कलेक्शन को मिलाकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस एवरेज हो जाएगी। वहीं बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.6 रेटिंग मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपने दोनों फिल्म देख लिया, तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।